शांति स्वाधीन स्वाधीनता परमात्मा शांति पाने के लिए घर और शरीर साफ सुथरा हो, स्वाधीनता से आपको अभिन्न कर देगी। सच्चे सुख से आप अभिन्न हो सकते हैं, ईश्वर से आप अभिन्न हो सकते हैं, और उसमें कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। प्रयास नश्वर के लिए है, अथवा तो नश्वर आदत मिटाने के लिए है। शाश्वत प्रभु को पाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। क्या करें कर करके तो मर गए, अब न करने की स्थिति में आओ। लेकिन आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, तमस नहीं, शांत। तो करने के वेग को अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया। करने योग्य जो कर्म है, जैसे स्नान करने योग्य है, भोजन करने योग्य है, ऐसे दूसरे की सेवा करने योग्य। क्योंकि शरीर और वस्तुएं आपकी थी नहीं और आपके साथ चलेगी नहीं। शरीर और वस्तुएं संसार की, तो ये संसार के हित में माता की, पिता की, मित्र की, गरीब की यथा योग्य सेवा कर। उनसे बदला ना चाहो, वाहवाही की भी अपेक्षा ना रखो। आपको रस चाहिए, रुपए इकट्ठा करने का भी एक रस होता है, पति पत्नी के मिलन का भी रस, जो कभी हो और कभी ना हो, कहीं हो कहीं ना हो, उसे विनाशी बोलते हैं। कभी हो कभी ना हो कहीं ना हो, उसे विनाशी बोलते हैं। जो सदा हो सर्वत्र हो, उसे अविनाशी बोलते हैं। जो विनाशी है उसको आप सदा रख नहीं सकते, और जो अविनाशी है उसको आप कभी छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते उसको आप पहचान लो, रख नहीं सकते उसको आप पहचान। जो विनाशी है वो अपने आप छूटता जाता है, जो अविनाशी है उसकी प्यास भी कई बार जगती है। विनाशी क्या? देखो बचपन, बचपन के खिलौने, बचपन के दोस्त, बचपन की तोतली बोली, ये सब छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। खिलौने छूट गए ना किशोर अवस्था की, लिक्का छिपी भी छूट गई ना। आप बूढ़े बूढ़ी थोड़ी लिक्का छुपी खेलते। जुआनी की कबड्डी कबड्डी भी छूट गई, और जुआनी में मस्तानी जिंदगी वाले खान पान की हेकड़ियां भी छूट गई। तो विनाशी सुख छूटता जाता है, लेकिन अविनाशी सुख की मांग अभी भी है। कितना भी बूढ़ा हो जाए तो भी सुख रस चाहता है, बुढ़ी हो जाए तो रस चाहता है, धनी हो जाए तो रस चाहता है। रस नहीं मिलता तो क्लबों में जाता है, क्लबों से उबता है तो शराब में जाता है, शराब से उबता है तो जुआ में जाता है, रस के लिए जाता है। रस आपकी मांग है। तो विनाशी वस्तुओं में रस खोजने वाले तबाही के कगार में जा गिरते, नीच योनियों में चले जाते। जिसको संभोग से रस की आदत पड़ गई, वो फिर मरने के बाद भूंड, कबूतर, बकरे आदि की योनि में जाएगा। 40-40 बकरियों के साथ अपना रस लेने की वासना मिटाते मिटाते कट मरेगा, लेकिन वासनाएं बढ़ती जाती। इन सच्चा रस कहां पर है? ये सत्संग से मिलता है, और सत्संग जीवन में कोई दृढ़ व्रत और श्रद्धा से ही मिलता है। जो किसी को सत्संग देता है, दिलाता है, देने दिलाने में साझेदार होता है, वो तो उसके माता पिता बंधु बांधव सबसे ज्यादा हितेशी है। हे राम जी, न मित्र से कल्याण होता है, न पुत्र से, न परिवार से, न धन से, न अपनी चतुराई से। जो कल्याण संत जनों के संग से होता है, वह कल्याण कहीं नहीं होता। और संत जनों का संग ये बताता है कि आप नित्य रस स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाई, उसमें तृप्ति है।
उस रस से निवृत्ति नहीं और इस रस से पूर्ति नहीं। बस बस भोजन के, अरे बस 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 भोजन से निवृत्त हो जाओगे, भोजन से उब जाओगे, पति पत्नी के मिलन से उब जाओगे, मिठाई के मिलन से उब जाओगे, धन से थक जाओगे, उब जाओगे, लेकिन वो नित्य नवीन रस। श्री कृष्ण नारद जी किए बड़े गुणगान करते। ऋषियों ने पूछा, आप नारद जी का इतना सम्मान गुणगान करते, नारद जी आए तो आप उठ खड़े होते, स्नेह से उन्हें बिठाते। बोले, नारद जी आत्मरामी है, फिर भी करने योग्य कर्म करते लोग संग्रह के, और आत्मरस से कभी अगाते नहीं समाधि सुख से। नारायण नाम स्मरण करते विचरण करते रहते, लौकिक कार्य करते हुए भी अलौकिक रस से अगाते नहीं, ऐसे नारद जी। नारद जी नाभि नार, लोगों को नार से छुड़ाते, जन्म मरण से छुड़ाने का देवी कार्य करते। नारद जी आप आत्मरामी हैं, तृप्त हैं अपने आप में, फिर भी लोक मांगल्य के लिए अतृप्त व्यक्ति की नाई करने योग्य कर्म करते रहते। बड़ा सुंदर व्याख्या की श्री कृष्ण ने, और उस व्याख्या को और श्लोक को जो पढ़ेगा सुनेगा वो भी पुण्य आत्मा और प्रीति का, नारद की कृपा का भाजन बने। अशुद्ध रस लेने की आदत पड़ने से अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध प्रारब्ध बनता है। अच्छे कर्म करने से, रस लेने की आदत से शुद्ध संकल्प, शुद्ध प्रवृत्ति, शुद्ध प्रारब्ध बनता है। लेकिन शुद्ध का भी फल नहीं इच्छा है तो फिर आत्म विश्रांति मिलती है। आत्म विश्रांति से फिर आपका व्यवहार हो जाएगा उदार। अपने लिए कुछ चाहिए नहीं तो आपकी उदारता सहज स्वभाव हो जाएगी। उदारता जगत को चाहिए, उदार व्यवहार सभी चाहते। आप मान देने में उदार, सामने वाले का सत मनोरथ पूरा करने में यथा योग्य उदार, तो आपको सब चाहेंगे जैसे बापूजी को चाहते हो। नहीं चाह रहे हो क्या? अगर मैं तुम्हारी जेब पर नजर रख के बोलूं अथवा तुम्हारी वाहवाही की वासना रखकर कुछ करूं तो आप इतना प्यार नहीं कर सकते जितना इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करने से आप मेरे पीछे पीछे घूमते और घंटों भर धूपों में खड़े हो जाते। ये प्रत्यक्ष नहीं हो रहा क्या? उदारता आपके तरफ से, उदारता जगत की मांग है। जो जग को चाहिए, आप विश्रांति पाइए अपने राम में, आपका व्यवहार उदार करिए। उदारता जगत के काम आ जाएगी और समता अपने काम आएगी और प्रीति जगतपति के काम आएगी। आपका प्रेमी स्वभाव तो जगतपति भी चाहता है। राम जी कहते हैं कि हनुमान, मैं तो तुम्हारा प्रेम रस पान करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। भक्त का प्रेम रस पाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, चाहे राम अवतार, कृष्ण अवतार और अवतार, नहीं तो हृदय में बार बार भक्त का प्रेम रस पाने के लिए हृदय में अवतरित होते और आनंद आने लगता है, रसमय होने लगता है, जीव ब्रह्म का एकत्व माधुर्य आने लगता है। श्री राम ये धड़का 6 कोश में व्याप्त धड़का ने, इन विशाल धन धान्य ऐश्वर्य से संपन्न सरजू तटवर्ती दोनों तटों पर, दोनों विशाल नगरों को इस धड़का ने नष्ट कर दिया है। श्री राम, राम जी 15 साल के थे उस समय, इसका तुम बंद करो। रामचंद्र शांत है, ना नहीं कहते, आवेश में नहीं आते, शांत गंभीर विश्रांति पाए हुए राम। सोचा विश्वामित्र ने कि शायद राम जी को यह होता हो कि ये स्त्री है, हमें पुरुष, स्त्री का पद कैसे। तो विश्वामित्र ने सुनाया पूर्व काल में जो मंथरा हो गई और धरती को ही नष्ट करने के इरादे से कुछ चेष्टा कर रही थी, भगवान ने उसको नष्ट किया।
दूसरी राक्षसी थी वो इंद्र के वैभव और इंद्र को चट करना चाहती थी, इंद्र ने उसे नष्ट किया। तो जो आतताई है उन्हें मारने में संकोच नहीं करना चाहिए। राम तुम क्या विचार कर रहे हो? तो राम जी हाथ जोड़ते हैं, प्रभु मैं सेवा करने में विलंब किया, इससे आपके मन में शंका अथवा खेद हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। राम जी ने धनुष पर चाप चढ़ाई, धनुष की टंकार से वो ताड़का। अब 6.19 किलोमीटर का जिसका शरीर है उसका हाथ कितना बड़ा होगा? अगर हम यहां खड़े रहकर भी ताड़का का विचार करें तो वो बस हड्डे पे होगी, तभी भी लंबा हाथ करके हमारा धनुष छीन सकती। राम जी ने बराबर बाण चढ़ा, धड़ा एक भुजा उड़ी, लेकिन वो ऐसे छुमंतर से नहीं मरी। हा, क्या 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 खेल हुआ? राम जी संध्या हो रही, रात्रि को इन असुरों का बल बढ़ जाता है। देर न करो रघुनाथ, धड़ाक। कृष्ण ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना का वध किया 6ठे दिन, और राम वो लीला करते करते और राम जी ने प्रेरणा पाते हुए 15 वर्ष की उम्र में ताड़का का वध किया। दोनों अवतारों ने दोनों स्त्रियों का वध किया, आप भी वध करो। महाराज हम कौन सी स्त्री का वध करें कि विषय विकारों में फंसाने वाली तुम्हारी जो मति है उसको नियम और संयम का बाण, एक नियम का बाण और दूसरा व्रत का बाण, ये तुम्हें नचाने वाली ताड़का या पूतना बहुत तुम्हें नचा चुकी। अब कृष्ण और राम का सामर्थ्य उभार कर ऐसी मति को हटाकर विश्रांति वाली मति को उपजाओ, ताकि भगवान में शांति दे। एक में आस्था करेगा वो अनंत जीवन अनंत रस में प्रविष्ट होगा। जो अनेक वस्तुओं से सुख की आस्था करता है वो अनेक जगह भटक भटक के थक जाता है। तो उदारता लोगों के काम आएगी, समता सुख आ जाए दुख आ जाए, प्रतिकूलता अनुकूलता, चित्त को सम बनाए रखो, ये आपके बल को बढ़ाएगी, आपके काम आएगी, विश्रांति आएगी। और प्रियता जगतपति के लिए अभिष्ट है, प्रभु भी प्रसन्न, आप भी समर्थ और लोक भी आपसे लाभवित। उदारता समता और प्रियता, प्रियता जब वस्तुओं में होती तो आप छोटे हो जाते, और प्रियता जब प्रभु के नाम पर प्रभु के नाते होती है, प्रभु मैं होती तो बस। एक बार प्रभु के लिए प्रियता रखे हुए हनुमान जी कहीं गए, राज्याभिषेक तो हो गया है। भरत ने सोचा कि हनुमान जी तो वर्षों से सेवा करते, माता सीते मुझे भी सेवा मिलनी चाहिए। शत्रुघ्न ने कहा मैं भी ढेर सेवा करूं, ऐसा मुझे मिलना चाहिए। सीता जी ने कहा हम भी तो अशोक वाटिका में समय बहुत बिताए थे, अब क्या हुआ? लखन लाला भरत शत्रुघ्न और सीता जी ने मिलकर सारी सेवा का चार्ट बना लिया, ये सेवा ये करेंगे ये करेंगे, और प्रभु जी से सम्मति ले ली, तथास्तु। अब हनुमान जी आए पंखा आंकने, तो शत्रुघ्न कहता है कि सॉरी दिस इज माय ड्यूटी, मिलावट मेरे शब्दों की है, न सॉरी कहा न दिस इज माय ड्यूटी का, तुमको जरा मन विनोदी करने के लिए कहा मैंने मिलावट की। हनुमान जी ये मेरा सेवा है, दूसरी कोई सेवा, लक्ष्मण कहते हैं है मेरी, कोई तीसरी सेवा करने गए तो भरत भैया कहते हैं कि ये नहीं ये 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 सारी सेवाएं मेरे जिम्मे है, फलानी 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 ये इनके जिम्मे है। हनुमान जी आप अब निवृत्ति ले लो। हनुमान जी करने योग्य कर्म से कैसे निवृत्ति ले ले,
राम काज बिन कहां विश्राम। आखिर दिन भर जो भी सेवा हुई उन पर उनकी मोहर थी। क्या करूं, कैसी सेवा करूं, क्या करूं, क्या करूं, खोते खोते विश्रांति पाई। विश्रांति से सामर्थ्य का सीधा संबंध है कि प्रभु जी को जवाई आएगी। चुटकी बजाने की सेवा ये लिखना भूल गए। चुटकी बजाने की सेवा तो बाकी रह गई और चुटकी बजाने के बहाने मुझे नित्य दर्शन मिलते रहेंगे। तो प्रभु और तो सेवा इन्होंने ले ली, लेकिन आपको जिम्हाई आएगी उस समय चुटकी बजाने की सेवा ये दास करेगा। राम जी बोले अच्छा ऐसे ही हो। अब दिन भर तो नजीक का दर्शन हुआ, रात्रि हुई, माता चरण चंपी करती हो, पति और पत्नी के बीच में सेवक कैसे बैठे। चतुर हनुमान जी चले गए महल की छत पे। सोचा कि रात्रि का समय, दिन में तो जिवाई एक दो चार आई, रात्रि को तो नींद के पहले आती है, न जाने प्रभु को कब आएगी, तो कहीं मेरी सेवा रह न जाए। चुटकी बजाना चालू कर दिया। प्रभु को जिवाई आई और चुटकी चालू है तो जिवाई भी चालू। मुंह बंद ही न रहे। सीता जी के नाथ 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 नाथ, जब मुंह बंद करे तब नाथ बोले। कौशल्या माँ को बुलाया गया, कई कई भी आदम की, सुमित्रा महारानी भी आई। प्रभु सरकार को क्या हो गया, क्या हो। सुमन मंत्री भी बुलाया गया, वैद्य वैद्य जो होंगे वो भी आए। न ये वात से है, न पित्त से है, न कफ से। हाँ दिन में तो वायु दोष से प्राण कम हो अथवा मस्तक में वायु भर जाए यूं हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं, सरकार स्वस्थ है। तो वैद्यों को किसी को पता नहीं चले। आखिर देखा कि वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। रातों रात रथ गया, वशिष्ठ मुनि आए, देखा कि कौशल्या जी भी हैं, सीता जी भी हैं, सारे के सारे, लेकिन प्रिय सेवक हनुमान जी नहीं। देखो महापुरुष विश्रांति पाए हुए कैसी बुद्धिमता प्रकट होती। इसको बोलते प्रतिपन्ना मति, वक्त सर बुद्धि में प्रकाश आ जाए कि ये करना, ये इसकी कमी है। ये प्रतिपन्ना मति विश्रांति पाए हुए वशिष्ठ जी को पता चला। रोज विश्रांति पाते, समाधि करते, ध्यानस्थ रहते, हनुमान जी नहीं। हनुमान 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 बाहर निकले, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण, दिशाएं सुन लो, हवाएं सुन लो, यक्ष गंधर्व और किन्नर सुन लो, जहां पवन सुत हनुमान हो आ जाए। तो वो तो छत पे थे, जय श्री राम। आ गए ना हनुमान जी, सुना कि नहीं सुना है हनुमान जी का आना और प्रभु जी का जवाई बंद हो जाए। हाँ, और कुछ नहीं, हनुमान जी सतत चुटकी बजा रहे थे, इसलिए मैंने फिर सतत चालू कहा। सभी ने हाथ जोड़कर कहा कि हनुमान जी तुम जो सेवा चुनो सब चुनो। अब हम हमारा जिठा वापस लेते, तुम पहले हम तुम्हारे साथ। उत्तम सेवक सेवा कैसी खोज लेते हैं, इसके आचार्य हैं हनुमान जी। व्यर्थ कर्म नहीं, स्वार्थ कर्म नहीं, लापरवाही से कर्म नहीं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया ससन्यासी च योगी च न निराग निरचाक्रिया। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इच्छा वासनाओं का सन्यास, इच्छा वासना बजा बाहर से सुख लेने की इच्छा के सन्यास के बिना न कोई योगी बन सकता है न कोई साधु बन सकता है। इच्छाएं मिटाते जाओ बाहर से सुख लेने की, अंदर के सुख में आते जाओगे। खाओ स्वाद लेने के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। पहनो अहंकार सजाने के लिए नहीं, शरीर की रक्षा के लिए। घर में रहो लेकिन बढ़िया घर चाहिए, भलिया फलाना चाहिए। जितनी आवश्यकता बढ़ेगी उतनी जिम्मेदारी और हेरा फेरी और पाप
बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए अपनी सादगी जिंदगी आवश्यकता कम। भूतकाल चाहे कैसा गया हो, भविष्य चाहे कैसा हो, वर्तमान को आप आवश्यकता कम से कम, बाहर की इच्छा वासना कम से कम और विश्रांति के लिए करने योग्य कर्म करो। आपका विकास अभी से शुरू हो जाएगा। अब आपका सुख की दास्ता से पिंड छूटे, दुख के भय से मन उपराम हो, होके क्या होगा, और संसार दे दे के भी क्या देगा, और जो देगा वो छूट जाएगा। इसलिए उसकी आसक्ति और आस्था छोड़े। परमात्मा में प्रीति और आत्मा ही सत्य है, जो मरने के बाद रहेगा जन्म के पहले था। हम सत्य स्वरूप का ध्यान करते, सत्यम परम धीमहि, हम चैतन्य स्वरूप में शांत होते, हम आनंद स्वरूप ईश्वर के हैं, ईश्वर में विश्रांति पाते। ऐसा चिंतन करते हुए थोड़े मिनटों तक चिंतन करते गोता मारो। ओ शांति, ओ माधुर्य। जैसे गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी से नहाने से रोमकूप स्वस्थ होते और गर्मी खिंच जाती, अंगूर खाने से डायबिटीज वालों को भी फायदा होता है, किडनी की तकलीफ वालों को फायदा होता है, वायु दोष दूर होते। लेकिन भगवत शांति सारे दोषों को हरने वाली और सारे सुखों को भरने वाली है। ओम शांति। अंगूर की सीजन चली जाए तो मनका और किशमिश और काली द्राक्ष भी वही गुण अपने में संजोई हुई है, वायु दोष हरती है। जिनको बाथरूम करते समय थोड़ा थोड़ा आता है या पीड़ा जैसी होती है सुबह 55 साल के बाद ऐसा कुछ होता है प्रोस्टेट ग्रंथि वंथि का, द्राक्ष से फायदा हो गया। सिटी बजाने में पीड़ा होती हो तो भी अंगूर फायदा करते। लेकिन जन्म मरण की पीड़ा तो भगवत ध्यान और भगवत विश्रांति से ही मिटेगी। ओम शांति, ओम शांति। कुछ करो नहीं, अगर कुछ करना ही है तो मत्था टेक कार्यक्रम करो। चलो ऐसे मत्था टेको कि शरीर में तनाव न रहे, पड़े रहो। रोज सुबह ऐसे 2-4 मिनट पड़े रहने से भी आपके समता के गुण विकसित होने लगेंगे। मत्था टेक कार्यक्रम बस आसान है, जानते भी हो। देवता को मत्था टेकते, गुरु को तो उनको फायदा होगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन टेकने वाले को तो ये दिव्य गुण आभा मंडल यहां आते हैं। जो बच्चे क्रोधी हों, डरपोक हों, अथवा आत्महत्या का विचार आता हो, ऐसे लोग ये करें तो आत्महत्या के विचार से पिंड छूटेगा। शांति, पड़े रहो मत्था टेक कार्यक्रम में, पड़े रहो। ओम शांति, मधुर शांति, गहरी शांति।